हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 9th वर्कशीट डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में से रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स का ये जो दो टाइप के सॉल्ट्स हैं, इनका फॉर्मूला होता है, कार्बोनेट्स के लिए लिखा जाता है CO3 2- और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के लिए लिखा जाता है HCO3-। ठीक है, अब ये जो दो टाइप्स के सॉल्ट्स हैं, इसमें हमें पहला बताया रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के लिए CO3 2-, ये हमें याद रखना है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब भी ये दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, मेटल कार्बोनेट सॉल्ट और एसिड, जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आते हैं? कार्बोनेट आयन से। और वाटर के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो एसिड से मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताया इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3 सॉलिड स्टेट में, प्लस इसमें एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है एक्वा स्टेट में तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड एक्वा स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में और वाटर लिक्विड स्टेट में। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल बताया है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स में। अब सेम इसी तरह से रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स हमें जो यहाँ मिले थे वो यहाँ पे भी मिल रहे हैं। एग्जांपल यहाँ पर दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स NaCl, सॉल्ट है ये, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर सामने आपको पिक्चर दिखा रखी है जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें थिसल फनल है, स्टैंड है, कॉर्क है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर कलेक्ट हो रही है और सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है टेस्ट ट्यूब में, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट लिया गया है और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस जगह में इकट्ठी हो रही है और ये इस ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से इधर इस टेस्ट ट्यूब में डाली जा रही है, जहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी तो वो फिर चेंज हो जाएगा और मिल्की अपीयरेंस देगा और वहाँ पर हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट। ठीक है, सो ये हमें एक तरह से टेस्ट होता है कि जो भी गैस निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? जब हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन लिया गया है वो जब मिल्की हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि जो गैस आई डिलीवरी ट्यूब से वो कार्बन डाइऑक्साइड थी और इस रिएक्शन के बाद ही वो हमें मिली है। नेक्स्ट, इसके बाद रीडिंग कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शंस, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्रिस्क एफोवेसेंस ऑफ अ गैस। सो एवोल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज़ का निकलना या एस्केप होना। तो एवोल्यूशन हो रहा है गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, विद ब्रिस्क एफोवेसेंस। ब्रिस्क एफोवेसेंस का मतलब है कि बहुत रैपिडली बबल्स की फॉर्म में वो गैस निकल रही है और उसकी साउंड आती है, तो ब्रिस्क एफोवेसेंस बोलते हैं। ऑन पासिंग दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, लाइम वाटर का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनसॉल्युबल होता है, मिल्की हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है वो सोल्यूशन जब भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन से बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर गिव्स, या इसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की अपीयरेंस देता है, वाइट कलर का होता है और सोल्यूशन में है तो लिक्विड वाटर यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, इसके बाद when excess of carbon dioxide is passed through the same solution, milky appearance disappears due to formation of soluble calcium hydrogen carbonate। तो अब जब ये excess में अगर यहाँ पर जितना भी carbon dioxide है वो हम उसको पास करने देंगे बहुत देर तक, तो क्या होगा? वो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, हट जाएगी और वो क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन से बताया क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में मिल रहा था वो उसने क्या किया, चेंज कर दिया, उसको नया कंपाउंड बनाया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, CaHCO3 2। नेक्स्ट, इसके बाद बताया लाइमस्टोन एग शेल्स एंड मार्बल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर 1 में। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो हमें लाइमस्टोन में भी मिलता है, एग शेल में भी मिलता है और मार्बल में भी मिलता है और ये सब चीज़ें वाइट कलर की होती है, शाइनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द इक्वेशंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, MgCO3 प्लस HCl गिव्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोनेट लिया गया है, नीचे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें तीन तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तीन प्रोडक्ट्स में क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, दूसरा वाटर होगा और थर्ड जो होगा वो सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट में क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ से Mg और यहाँ से Cl, MgCl2 और यहाँ पर Mg, यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलेगी, MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। सो इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट
ए स्टेटमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करती है डाइल्यूट HCl के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. सही है, तो यहाँ पर टिक लगेगा. बी है स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की, ये भी सही है. सी है लाइमस्टोन एंड मार्बल बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सही है. डी ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा, इस पर हमें टिक लगाना है. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट गैस एंड वन मोर प्रोडक्ट. व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट गैस एंड वन मोर प्रोडक्ट, नेम द गैस एंड द प्रोडक्ट. तो गैस तो हमने पता ही हमने पढ़ा है अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर होगा. तो यहाँ जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. फोर्थ क्वेश्चन, ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स लिम्का और कोक सम बबल्स अपियर्स एंड लेटर इट डिसअपियर्स, ऑल्सो गिव रीजंस ऑफ अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ बबल्स. तो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें लिम्का जैसे कोक या लिम्का ये सब में बबल्स होते हैं हमें दिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, उसको हाई प्रेशर में बॉटल में भरा जाता है इसलिए उसकी बबल्स हमें दिखती है और जब हम उसको शेक करते हैं तो वो ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक सम बबल्स अपियर्स, दीज बबल्स आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड लेटर इट डिसअपियर्स ऑल्सो द एयर प्रेशर इन साइड द बॉटल गेट्स रिड्यूस्ड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.